नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि आखिर मोदी के ध्यान साधना के विरोध के पीछे विपक्षी दलों की क्या मानसिकता है, कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला का क्या है इतिहास, क्यों विपक्ष इस ध्यान साधना के मीडिया में प्रचार प्रसार को रोकना चाह रहा है। तो इसकी वजह है विवेकानंद शिला की स्थापना को लेकर वह स्वर्णिम संघर्ष गाथा जो भारत के किसी भी नागरिक के अंदर नैतिक चरित्र बल भरने के लिए काफी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई 2024 की शाम से 2 दिवसीय ध्यान साधना के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मौजूद हैं। वह स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने तैरने के बाद इस चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। ऐसा भी माना जाता है कि माता पार्वती ने भी एक बार यहां ध्यान किया था। भारतीय मुख्य भूमि से आधा किलोमीटर दूर स्थित यह चट्टान बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम का प्रतीक है। 11 सितंबर 1970 में निर्मित इस स्मारक का नेतृत्व आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रमुख व्यक्ति एकनाथ रानाडे ने 6 साल में कराया। रानाडे ने अपना जीवन राष्ट्रीय और मानव विकास के लिए समर्पित कर दिया। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना में उनके प्रयासों में प्रत्येक व्यक्ति से 1 रुपया एकत्र करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शामिल रहा। रानाडे ने विवेकानंद केंद्र की स्थापना भी की और पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा आदिवासी उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के तफरगाम जैसे दूर दराज इलाकों में स्कूल स्थापित करना भी शामिल रहा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों पर एक किताब भी लिखी, लेकिन विवेकानंद शिला और स्मारक की असली गाथा अभी आपको सुनानी बाकी है। विवेकानंद स्मारक के निर्माण में ईसाई मिशनरियों ने विरोध किया और शुरुआती सरकारी प्रतिरोध भी शामिल रहा। 1963 में जब तमिलनाडु सरकार ने विवेकानंद शिला स्मारक समिति को यह भूमि सौंप दी, उसके बाद वहां एक पट्टिका लगाई गई। ईसाई मशीनरियों ने उसे तोड़कर उस स्थान पर कंक्रीट का बड़ा सा क्रॉस खड़ा कर दिया और गोवा में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले पुर्तगाल के पादरी जेवियर का स्मारक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ निडर स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता समंदर में तैरकर उस चट्टान पर पहुंचे और उस क्रॉस को हटा दिया। इसके बाद सरकार को वहां आसपास धारा 144 लागू करनी पड़ी। उस समय नेहरू सरकार में भारत के संस्कृति मंत्री रहे हुमायूं कबीर ने कहा कि इस मेमोरियल के निर्माण से उस स्थान की सुंदरता खत्म हो जाएगी। यही नहीं, तत्कालीन सीएम भक्त वत्सलम ने भी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति वहां लगाने की इजाजत देने में इंकार कर दिया। हालांकि रानाडे ने पीएम नेहरू और 323 सांसदों से समर्थन प्राप्त कर परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित किया। तब से यह स्मारक राष्ट्रीय एकता और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बन गया। पीएम मोदी 2014 में रानाडे की जन्म शताब्दी समारोह के दौरान उनके योगदान को याद किए थे। पीएम मोदी ने स्मारक के निर्माण में रानाडे के सावधानी पूर्वक ध्यान को उजागर किया, जिससे समुद्री हवा के खिलाफ इसकी स्थायित्व और विवेकानंद की प्रतिमा की जीवंत गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद की विरासत और एकनाथ रानाडे के समर्पण का एक वसीयतनामा है जो भारत की एकता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। क्या विपक्षी दल भारत की विरासत को छुपाने का काम कर रहे हैं? क्या विपक्षी दल भारत के उन लोगों के संघर्ष को सामने नहीं आने देना चाहते हैं जो वास्तव में देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिए? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इतिहासकार जगदीश सैनी जी और शंभू
भद्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल जगदीश जी से। जगदीश जी, आपने हमारा यह रिपोर्ट, हमारी यह रिपोर्ट सुनी, आपको क्या लगता है कि इस विरासत को भारतीय, एक आम भारतीय किस तरीके से देखना चाहिए? जगदीश सैनी जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। शंभु भद्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। शंभु भद्रा जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, इस पूरे स्मारक के निर्माण में, उसके अस्तित्व में आने में किस तरह की कठिनाइयां आई और उसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारी रिपोर्ट में यह सामने आया, आपको कैसे लगता है कि एक भारतीय को कैसे इस स्मारक को स्वीकार करना चाहिए? देखिए, एक तो ये भारत का एक सांस्कृतिक धरोहर है और खास करके विवेकानंद से, आपने पूरी रिपोर्ट बताई है कि कैसे कैसे वो बना और कैसे कैसे उसके पीछे इतिहास है और इतिहास के बाद कैसे वो अस्तित्व में आया है, तो ये रिपोर्ट में आपने जिक्र करी है सारी चीजों की। मैं उससे आगे की चीज बताऊंगा कि कोई भी भारत की आध्यात्मिक चीज जो है, जो भारत की एकता, अखंडता और भारत की हमें विरासत से जोड़ता है, तो वो सभी चीज का स्वागत होना चाहिए, उसे हमें उसको सुरक्षित भी रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, उस बारे में कैसे जानेंगे, इसके लिए उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि लक्षद्वीप में कच की जो घटना थी, जिसमें की पीएम गए थे और बीच के किनारे गए और उसको लेकर के किस तरह से एक मालदीव की मंत्री ने ट्वीट किया, उसके बाद से चीजें बदली और भारत और मालदीव के रिश्ते तक में परिवर्तन आ गया। तो मेरा कहने का सेंस उस उदाहरण से ये है कि भारत की जो अपनी चीजें हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, पर्यटन के स्थल हैं, और जो चीज देखने के लिए हम बाहर जाते हैं, यानी वो इसलिए जा रहे थे कि हमें मालदीव जैसी चीजें भारत में ऑलरेडी पहले से हैं, वो चीज हमारे पास जानकारी नहीं थी या कम जानकारी थी। शंभु भद्रा जी, इसके लिए किसे दोषी ठहराएंगे? अपनी विरासत का ही हमें पता नहीं। इसके लिए दोषी हमारी जो आजादी के बाद से जो भी सरकारें अस्तित्व में रही हैं, उसमें अधिकतर समय तो कांग्रेस अस्तित्व में रही है, केंद्र में जो सरकारें हैं, उसका उस सरकार का काम था कि देश की जो विरासत थी उसको आगे लेके आते, नई पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी देते, तो उससे बेहतर चीजें होती और लोगों को पता होता, लेकिन ये चीजें नहीं हुई है। वर्तमान सरकार, मानना पड़ेगा कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, तब से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लेकर के काम हो रहा है, और जो हमारे कई सारे धर्म स्थल हैं, कई सारे सांस्कृतिक स्थल हैं, उनको भी अब नए तरीके से लोगों के सामने लाया जा रहा है। जगदीश सैनी जी इतिहासकार हैं, आपसे यह समझना चाहते हैं कि ये जो धरोहरें हैं जिनके बारे में पता चलता है, उनके लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, जैसे राणा डे जी का नाम सामने आ रहा है, अभी भी देश की अधिकांश जनता ऐसे नायकों को न जानती है न पहचानती है, और सबसे बड़ा दोष सरकार का, ऐसे लोगों को वह पाठ्यक्रम में भी नहीं शामिल कर रही है। ऐसे में इतिहासकार होने के नाते आप किसकी जवाबदेही मानेंगे, सरकार की, जनता की, या ऐसे लोगों की जो इतिहास को नए सिरे से लिखना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार? सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सरकार कौन है? सरकार वही लोग तो है जो हमारे अंदर से गए हुए हैं, वही देश के नीति निर्धारण करते हैं, और वो फिर एक मानसिकता है, जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था की नकेल आती है वो अपनी तरफ से वो सब कुछ करते हैं। तो आजादी के बाद नहीं, बहुत पहले से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है हमारे देश में चला है। 1857 के बाद जब सत्ता पक्ष ने ये देखा कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो बड़ी जटिल है, उसको कुठाराघात करने के लिए जो षड्यंत्र हुआ था वो आज तक लागू है। एक मान, जगदीश सैनी जी, 1857 में तो मान सकते हैं कि अंग्रेज जिम्मेदार थे, लेकिन 1947 के बाद कौन जिम्मेदार है? मानसिकता को बदला गया ना सर, मैं वही बात बता रहा हूँ, अंग्रेज जिम्मेदार थे और आज भी वो मानसिकता उन्होंने तैयार की,
और वो मानसिकता आजादी के बाद से उसी के हाथ में ये नकेल रही है। उन्होंने अगर हम ये देखें 40 से 50-60 साल पहले जो सिलेबस में जो चीजें होती थी वो धीरे धीरे हटा दी गई, हमारे सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए जितने लेसन थे सभी हटा दिए गए। जगदीश सहनी जी, अगर आपकी बात मानी जाए तो जनता भी जिम्मेदार है, चूंकि उसने ऐसे नेताओं को चुना, उसके साथ ही लगता है इतिहासकार भी जिम्मेदार हैं जो सत्ता के अनुसार अपनी कलम चलाते रहे। इसमें कोई शक नहीं है, कलम दरबारी होती है और दरबारी जो कलमे होती है वो सत्ता का मूड देख करके ही लिखती है और ये सदा से रहा है, अब से नहीं। तो आजादी के बाद तो चापलूस लोगों ने जिस तरह से हमारी सभी चीजों को बदलने की कोशिश की है उसका परिणाम है आज अधिकतर मानसिकता। अगर आपकी बात मानी जाए जगदीश सहनी जी, तो आप जेएनयू के प्रोफेसर पे भी उंगली उठा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पे भी उंगली उठा रहे हैं जिसमें रोमिला थापर हैं, एक से एक बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक लिखी, विपिन चंद्रा हैं, तमाम लोग हैं जिन लोगों ने किताबें लिखी। तो आप मानते हैं कि वो इतिहासकार न होके चाटुकार थे? नहीं, उनका वो एक षड्यंत्र था ना, जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा। आप मानते हैं कि इतिहासकार भी उस षड्यंत्र में शामिल थे? हाँ हाँ, ऐसा होता रहा है, आज तक चल रहा है ये। तो आज 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 भी आप मीडिया के अंदर भी देखेंगे अधिकतर वही लोग हैं जो हमारी सत्ता संस्कृति को कुचलने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने में उन लोगों का साथ देते हैं। शंभु भद्रा जी, अब मान लीजिए आप तो चूंकि राजनीतिक विषयों पे भी अपनी जानकारी देते रहे हैं लोगों को, तो अगर इस तरह की चीजें हैं चुनाव के नाम पे, आप कह दीजिए ध्यान को कवर मत करिए, साधना को मत प्रचारित प्रसारित करिए और उन लोगों को मत दिखाइए जिन्होंने इनका निर्माण किया था, ये तो लग रहा है अपना पूरा जीवन खपा दिया इस स्मारक के लिए रानाडे, उसके बाद भी आप नहीं चाहते हैं, विपक्षी दल नहीं चाहता है कि उनका नाम हो। देखिए रिसर्च की जो अभी की जो प्रतिक्रिया है वो कम्प्लीटली एक राजनीतिक प्रक्रिया है और प्रधानमंत्री ने जो वो जगह चुनी है अपने ध्यान के लिए, तो ये निश्चित रूप से चुनाव का जो शेड्यूल था वो एक हेक्टिक शेड्यूल था और लंबा शेड्यूल था। इस शेड्यूल में सभी प्रचार करते करते सभी दल के नेता थक गए होंगे और रिलैक्स होने का सबका अपना अपना तरीका है, जो भी नेता इसमें शामिल थे प्रचार प्रसार में उनका एक रिलैक्स होने का तरीका है। तो प्रधानमंत्री का जो है वो रिलैक्स होने का तरीका मेडिटेशन है, ध्यान है और वो जब बहुत हेक्टिक होते हैं, इससे पहले भी 2019 में चले गए थे बद्रीनाथ की तरफ, तो जाकर के ध्यान में अपने आप को रखते हैं ताकि वो जो थकावट है, वो जो शोर है, मानसिक शोर है दिमाग में, वो थोड़ा शांत हो जाए। और ये एक व्यक्तिगत फैसला है, इससे कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है इसको लेकर। फिर भी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता टिप्पणियां कर रहे हैं, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम के है प्रचार पाने का तरीका है, ये कोई नया नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं कैमरे पर रोक लगाई जानी चाहिए, उनका प्रसारण नहीं होना चाहिए। मैं आपसे फिर समझना चाह रहा हूँ, क्या यह उनके निशाने पे केवल प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार है या ऐसे नायकों को भी छुपाना है जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया? और छुपाना इसलिए है क्योंकि वह आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। देखिए आरएसएस के प्रति जो विपक्षी दल खास करके कांग्रेस है या सपा है या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, तो ये इनका नजरिया पहले से साफ रहा है कि वो आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं और वो आरएसएस एक संगठन, जबकि आरएसएस एक संगठन के तौर पे है, सांस्कृतिक संगठन है और देश में चाहे किसी की भी सरकार रही हो, इवन की कांग्रेस की अधिकतर समय में सरकार रही है, इसके बावजूद भी आरएसएस अपना सामाजिक और सांस्कृतिक अभियान करते रहे हैं और देश में जब जब संकट आए हैं, इवन की 1962 के युद्ध के बाद जो भारत की स्थिति थी उसमें आरएसएस ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था। भूज का जो भूकंप था उसके बाद फिर आरएसएस के वॉलंटियर ने उस वहां पे काफी अच्छे से काम किया था और नेहरू तक ने आरएसएस की सराहना की थी अपने समय में कि उनके सहयोग के लिए, योगदान के लिए। तो सांस्कृतिक एक है, लेकिन कांग्रेस प्लस दूसरे जो विपक्षी दल है उसका एक आरएसएस के प्रति एक वैचारिक रूप से मतभेद रहा है
और इसीलिए जब जब ऐसी बात आती है तो उसको मौका मिलता है आरएसएस से अटैक करने का। शंभू जी, अगर इस तरह की वैचारिक मतभेद हैं जिससे देश का ही नुकसान हो रहा है तो क्या देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं? नहीं, देशद्रोह की श्रेणी में तो नहीं आएगा, देशद्रोह की श्रेणी में ये बातें नहीं आएगी कि क्योंकि ये राजनीतिक मतभेद है और उनकी कमियां है कि भारत की जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे लेकर के वो नहीं आए अपने अपने सरकार के समय में, इवन कि अपने अपने राज्यों में जो उनकी अच्छी चीजें थी उनको आगे नहीं बढ़ाया, तो वो उनकी अपनी कमियां रही और नीतिगत जो सोच है उस सोच की कमी रही। लेकिन आलोचना करना या ऐसे कोई बात करना कम से कम देशद्रोह के या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं है। लेकिन सैनी जी, अगर ऐसी स्थितियां हैं जिसमें लगता है कि ऐसे नायकों को उभरना चाहिए था, इतिहासकार के नाते आपको क्या लगता है कि ऐसे नायकों को कैसे समाज में सम्मान दिलाया जा सकता है? देश अनदाई ले रहा है, जो चीजें कुचलने की कोशिश की गई थी अब जो है उन सभी चीजों को, उन लोगों को, उन हस्तियों को सामने लाया जा रहा है जिन्होंने इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसमें निसंदेह उन तत्वों के पेट में दर्द होना बहुत जरूरी है कि जो हमेशा इनके विपरीत धारा में चलते रहे हैं, और उनका एक स्वार्थीपन था जो हमारे सभ्यता संस्कृति को कुचलने में उनको बड़ा मजा आया और वो अपने इसके विपरीत काम करते रहे। लेकिन आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में और ये सब भाजपा सरकार के नेतृत्व में वो दोबारा जो है वो हमारी संस्कृति के प्रति, उन लोगों के प्रति जो भावना जागृत की जा रही है तो उसका विरोध तो होगा ही होगा और ये भी चलेगा और इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लोगों में जो जागरूकता आती जा रही है उसको आप दबाना। शंभू जी, क्या अगर आपसे सीधे पूछा जाए, क्या विपक्ष की एक कोशिश भारत की विरासत को छुपाने की कवायद है, हाँ या ना? नहीं, भारत की विरासत को तो अब आगे सामने लाया जाएगा और निरंतर ये प्रयास जारी रहेंगे। ये तो अब मोदी जी है, मोदी जी के बाद और भी लोग आने वाले हैं सामने। यहाँ पे एक जानकारी मैं ऐड कर दूं। देखिए, हम इतिहास के अधूरे चीजों को सामने रख रहे हैं। देखिए, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इस मेमोरियल की जो वहां पे स्मारक बनाने की जो पहली बार बात हुई थी तो ये 1970 में है, और जब बीबी गिरी राष्ट्रपति थे और उस समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि थे। जो आपको बता दें 1964 में बनना शुरू हो गया था, 11 सितंबर 1970 में इस स्मारक का अनावरण भी हो गया था। जी हाँ, तो वो समारोह में तो कहने का सेंस की उस समय में राष्ट्रपति कांग्रेस के थे और मुख्यमंत्री डीएमके के थे, और डीएमके की विचारधारा सनातन या हिंदू को लेकर के पहले से स्पष्ट है। इसके बावजूद उन लोगों ने इस जगह की महत्व को स्पेस दिया। किसने डीएमके को ऐसे जगह लाया, कौन, ये बड़ा सवाल है। दूसरी चीज जो राजनीतिक समाज, देखिए भारत में जो राजनीतिक समाज होते हैं यही तोड़फोड़ करते हैं और यही विचारों में बदलाव करते हैं। और जो आप अभी बात चल रहे डीएमके की, तो पहले आपको वहां के उस साइड के इतिहास को देखना होगा, क्योंकि अंग्रेज उधर ही सबसे पहले आए थे तो उनकी ईसाइयत जो उस क्षेत्र में फैली उसका प्रभाव है और वो जिधर जिधर जाते गए उसका प्रभाव होता गया। नहीं, बांटो और राजक्रोह की नीति तो ठीक थी, अंग्रेजों के बारे में सबको मालूम था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आ रही है और आप कह रहे हैं कि डीएमके का, मैंने तो अपनी रिपोर्ट में बताया भी कि नेहरू सरकार में भारत के संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर मेमोरियल का निर्माण होता है तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। अब इनको कौन संभालता, कांग्रेस संभालती या डीएमके संभालता? शंभू जी देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत विचार है ना कि वहां पे अगर कोई निर्माण होगा या कुछ होगा, जैसे हमारा ताजमहल में मंत्री है उनको मालूम है विवेकानंद के स्मारक का क्या महत्व था। बिल्कुल, तो वही नहीं, उसमें जो उनकी प्राचीनता है उनकी जो बनाने की, उसको उसी रूप में बनाया जाए जैसे कि समिति बनी और समिति ने उसको जो बनाया उसकी प्राचीनता को बरकरार रखा, शिला उसी तरह से यूज किया
जैसे पहले से उसमें चीजें थी, ताकि वो उसकी प्राचीनता उसके महत्व को लगे। ये एक डिस्कोर्स का एक अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग सरकार अपने अपने हिसाब से चीजें करती है, लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष के तरफ से जो भी सरकारें रही हैं पहले भी केंद्र में, तो उसने जो भारतीय संस्कृति भारतीय विरासत को जिस तरीके से आगे लेकर के स्वाभिमान के साथ लेके आना चाहिए था, देश में सबसे सबको बताना चाहिए था अपने सिलेबस के थ्रू, शिक्षा के थ्रू, प्रचार प्रसार के थ्रू, संस्कृति मंत्रालय ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उससे भारत का ही फायदा होता कि विश्व में भारत का नाम होता, भारत का पर्यटन, भारत का पर्यटन। आखिर सबको मालूम है, छोटे से बच्चे को भी ये बात मालूम है, लेकिन कुछ सरकारें इसके विपरीत काम करती रहीं, तो इसका मतलब तो साफ है ना कि देश को कमजोर करने की कोशिशें शुरू से चलती रहीं। बिल्कुल, आजादी के बाद से जो हमारे देश में सरकार बनी है, उस सरकार की जो काम धाम करने की जो सोच है, तरीके हैं, वो घरेलू नहीं है, यानी नहीं रही भारतीय संदर्भ में। उसने काम कम किया और जो वेस्टर्न मॉडल से वेस्टर्न नीतियां थी उसको हूबहू लागू करने की कोशिश करी, उसी हिसाब से भारत को आंकने की कोशिश करी, जबकि इस आंकने में चाहे मुगल शासक रहो चाहे अंग्रेज शासक रहे हो, कोई भी रहे हो भारत में, वो फेल हुई और यहाँ से उसको जाना पड़ा था। भारतीयता सनातन हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हुआ, चाहे कितने भी कोई किसी ने प्रयास किया, 600 साल मुस्लिम शासक रहे, इसके बाद भी भारत में हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हुआ। तो कहने का सेंस कि आजादी के बाद जो भारत में जिस तरह की मॉडल, वेस्टर्न मॉडल ऑफ गवर्नेंस लेके आए हमारी सरकारें चली, उसमें जो भारतीयता को जो द्वयम दर्जे का दिखाने का जो जरिया था कि भारतीय होने का मतलब कि पिछड़ा होना, गवार होना, भारतीय चाहे संस्कृति हो चाहे मान्यता हो चाहे हमारे ज्ञान हो, सब बेकार है। कि हम सभी लोग इस तथ्य से सहमत हैं कि जानबूझकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया और एकनाथ रानाडे जैसे शख्सियत को हमसे छुपा कर रखा गया, उनके इतिहास को, उनके स्वर्णिम इतिहास को हमसे दूर रखा गया। इसके लिए विपक्षी दलों का वह संकीर्ण सोच जिम्मेदार है, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति जिम्मेदार है, जिसके कारण से एकनाथ रानाडे जैसी शख्सियत के बारे में जानने में हमें दशकों का समय लग जाता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए APN न्यूज के साथ, नमस्कार।